इसी तरीके से हम इनके नाम रखेंगे कीड़ा, या तो पतवा है अब तो पतवा। जल्दी भाई जल्दी सारे केड़ी केड़ी होंगी एक किस्म की मछली। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करें ना सारे खैर खैरियत नाल हो। मैं असमतुल्लाह, सो मेरा यूट्यूब चैनल वेख पे हो नवाब ऑफिशियल। तो माशाल्लाह जी अलहमदुलिल्लाह, जिमें कि पहली वीडियो दसेंदा रहा कि सारा मकाना का जो काम है ना शुरू है। तो मैं वह पे मकाना दे तो सामने जो ना मछली फार्म है, सारे तो लेबर है पे बहुत सारी ना, तो उन्हें पकड़नी ना मछलियाँ। अब तुम विखाई सा कि मछलियाँ जी फार्म के जाल के जरिए किमें पकड़ेंगे, और एंड जल्द आंदा ना उसका बहुत ही मजा आता। तो वीडियो जी तुम मेरी अब मुकम्मल वेखनी, उम्मीद करें ना तुम बहुत ही पसंद आई, बहुत जबरदस्त जी वीडियो मेरी बनने वाली है। तो वीडियो जी तुम मेरी अब मुकम्मल वेखनी। ये सारे जड़े नजर आते पे ना गोल गोल, ये जाल दे उत्ते लगो है वो सिरे ते खले। ये हाल ही जड़ा ना जाल जड़ा ना वेश बिछाइंदे पे नहीं है उस्ताद, जाल बिछाइंदे पे ये वे सारे जो जाल वे सटे ने तकरीबन काफी सारा ना इस साइड तो दरमियान तक पहुंच आया। वे एक भाई है वेच बैठा है पकड़ी, पता नहीं जाल पकड़ी बैठा या मछलियां, जाल जाल पकड़ी बैठा है। इदू जड़े भाई है ना यार वो जाल नु पकड़ के सिरे ते लई वेंदे ए भाई सुनदा गाने। मैं ना यार गाना ना चला, मेरा विच कॉपीराइट दा ऑप्शन आवे सी। नहीं नहीं ऑप्शन नु कोनी से आवा देंदे, इंटरव्यू देंदा ने वो गाने सुनाई गल। इंटरव्यू साडा मास्टर खड़ा उने का, अगर एक किला होवे फार्म दा तो उस दे वेच डेली दी कितनी खुराक जड़ी है पावनी चाहिए दी है। अच्छा सही है, 3 ग्राम ना जी, 3 ग्राम सही है। ते एक एक एकड़ होवे फार्म बने होया उस दे विच जड़ी मछली है कितनी निकलम दी है? वो तकरीबन 70 मान निकल आंदी है, तकरीबन इतनी निकल आंदी 70 मान। अच्छा ये वेख ले तकरीबन 3 लाख का खर्चा होवे तो 7 लाख बनदा है। अच्छा खर्चे भी बहुत ज्यादा है। जड़ो बच्चा लाया बनाउंदा ओ दा के हिसाब होंदा लवण दा? ए उंदे कैमरा उंदे का वजन दे हिसाब दा मिलदा, वजन नाल के किवें ग्राम दा अलग है, जिने अलग रेट है 200 ग्राम दा अलग रेट है। अच्छा नॉर्मल रेट भाई जड़ा ना जड़ा फुल छोटा भी ना होवे 100 रुपए एक बच्चे दा होंदा, 100 रुपया 100 रुपए बच्चा सही 350 ग्राम ਦਾ ਬੱਚਾ ਮਿਲਦਾ 100 ਰੁਪਏ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ 25 ਰੁਪਏ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਅਗਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਾ ਲਾਇਆ ਕੇ ਜਲੇ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਛੋੜ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਕਿਤਨੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਤਿਆਰ ਹੋ ਵੈਂਦਾ? 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕਿਤਨੇ ਕਿਲੋ ਦਾ ਹੋ ਵੈਂਦਾ? 3.5 ਕਿਲੋ ਖਾਦ ਉਹ ਅੱਛੀ ਹੋਵੇ, ਪਾਣੀ ਠੀਕ ਹੋਵੇ 3.5 ਕਿਲੋ 3 ਕਿਲੋ। ਅੱਛਾ ਮਤਲੀ ਮਤ ਉੱਡੇ ਇਹੀ। अच्छा जाल जड़ी है ना उन्होंने सिरे ते अपने नाली है उस साइड ते लेले भाई हैं वो भी छिक्की हम देन ए मच ओ सिरे ते आए ना ते जड़ी मछलियां ने पिया ना वो छलांगा मरेनियां पिया ने पीछा दे जाल तो बाहर निकलन वास्ते चल कट डोका ए केड़ी मछली है हैं ई केड़ी है ए ग्रास है ग्रास नेड़े है जोर जोर बहुत लगता पिया है उस्ताद जोर लगता पिया अरे ते का खावण तला ही आवे ते हमारा जो है ना ये हमारा जो है सेठ है। सेठ है जी माशाल्लाह, हमें तनख्वाह देता है। क्या हाल है उस्ताद? अल्हम्दुलिल्लाह जो खा के आया है। ओए इधर दूध दे अपने, तो हजूर आ ये से की वाला मैं की अच्छी का देख सारी जड़ी ना मछलियां पिया हूं नजर आ सन। देसी घी आंदा पे बेच दस दे, देसी घी हां पीवना है, देसी घी खांदे नहीं सानू सारा साल साग मिलदा है। आजकल किदू आयो साल साग पर ये जैन पाए हूं पियारा दे माल स्टॉक कर देने। अच्छा सुतली दे कढ़ो ए
खुराक दी बंदा जींदा जी मार बंदे समझ मेनू का नहीं आती पत्नी के करो सारी जाल जेड़ा ना बाहर कड्डी आंदे अच्छा हम तैयार है हमार आहा साथ इन डर नहीं लगता खुद उस सिरे इन कट्ठा करें पहनना दुए बराबर करे से बाद पकड़ ले से मछली जाल बाहर निकलन की कोशिश करें पांच मिनट बाकी है उस तो बाद शो शुरू होता पी है थोड़ा जा रह गया जाल थोड़ा जा बस उस सिरे आले भी आ गए इस साइड आले भी आ गए इत्थे दरमियान च कट्ठा करके ते मैं तो मछली जड़ी है ना मैं रम सिचेंगी यार मछली कितने किलो दियो साढ़े छह किलो इंटरव्यू जोड़ दिला मूह है अगुए का यार वेखो यार मछली ना हो अपनी जान जान बचाने वास्ते कोशिश करेंगे कैसा बाहर निकला मजा बिल्कुल सर वीआईपी माहौल है बस बस मैं वीआईपी माहौल है सर हाँ हाय 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 इधर वे उत्साह कट्ठे की कल चोंडे मछली टपदी क्या भाई इतनी इतनी जोर दी टपी है हाँ अच्छा भाई साहब और याद पहना जान हार के ने प्यारी होंगी अपनी जान बचाने वास्ते कोशिश करेंगी कि मैं जाल बाहर निकलवा हाँ कोशिश तो करनी चाहिए हर की करे हर इंसान हर चीज हर जानदार कोशिश करें लेकिन बचन नामुमकिन जी यार बिल्कुल ओके ताकत जाल जान मैच फील्डिंग है आपकी मैच हार जाएंगे यार मैच खेल रहे हो साहब इंशाल्लाह मैच खेल रहे हैं जल्दी भाई जल्दी सादे केड़ी केड़ी होंदी है किस्म दी मछली ये वैरायटी है ये थैला है 5 किलो का थैला है ये वाला हां ये सफेद रंग का ये बच्चा जो डाल रहा है ना हां ये सफेद रंग का थैला है 5 किलो का हां जी दूसरी वैरायटी है इसका दिखाओ भाई रोहू वाला
ਓਏ ਓਏ ਯਾਰ ਓਏ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦਾ ਮਲਾਈ ਦੇ ਪਾਇਆ ਤੇ सादे जाल पार्टी वही ना जले इतनी तपती कंडे कंडे मरे नहीं किलो की लगी हुई किराई ये ला बना सारी हड्डी है अच्छा ये जस्ट हम मैं ये ना छलांग जाल ही पाट में ते बंदे ने चंगा असर मालूम होता है बंदे ने मरने का खतरा बंदे ने डांडी लगे वाले यकीन करो अच्छा एक दफा एक खिलाड़ी लगी आई अच्छा खून दे एक कन्ना चो नाक के चो ये सारा खून लगा आया अच्छा हां एक ने खिलाड़ी सादे दर्द भरी गए हां ओ खड़ो भाई खिलाड़ी एक किदू आवे ने यार ए कुमे किदू आवे ने ए कितने किलो दी उस्ताद जड़ी हते पकी हुई मछली 6 किलो ए केड़ी मछली है भाई थैला जी हां 6 किलो दी है जी हां इन इतना मोटा करण वास्ते केड़ी खुराक पावनी चाहिए खुराक ए भी सुप्रीम अच्छा जले शुरू में चोंदा कितने कोन जले बच्चा हो छोटा ही बच्चा 1 इंच का 1 इंच दा जी अच्छा ये सारा खुराक दा कमाल है ये कितने दिया जो ये इतनी बड़ी ये 6 महीने जी ठीक है ठीक है आसेज में मछली जड़े ना पकड़ी केड़ी मछली सा थैला थैला डर भी लगदा खला चक ना मार देवे इतना मुंह खुले दिए एक माशाल्लाह वजन बहुत है बे 6 किलो 6 किलो छोटा जेड़ा बच्चा है जो खुराक पा पा के ना कितने महीने चोए इतने बड़े 6 महीने में चक्कर है माशाल्लाह ए पकड़ो साथ ए केड़ी की किस्म दी है भाई ये रोहू है रोहू जी ए कितनी किस्म दी होंगी देख यार 8 चाक मरेंगी 8 दी जी इसका वजन 7-8 किलो है 7-8 किलो है मुझे चक्कर है आखरी वाली वाह देसी तरीके से हमने इनके नाम रखे ये कीड़ा ये अतो पतवा है अतो पतवा ये आंधी साहब वो सामने परली साहब का जो सिगार मेज है सिगार मेज ठीक है साहब चल ले पे नहीं नहीं हां हाँ ठीक है साहब बड़ी मेहरबानी ठीक है मारो ओके उन्हें पकड़नी मछलियाँ तो मैं यार खलो बना मछलियाँ जड़िया पकड़ी दी जड़िया ना मैं वेख लवा तो सारे जड़े ना देखे बहुत ही मज़ा आया हूँ जड़ा ना मैं वापस बहना बता अपने मकाना से जड़ा काम आए उत्थे बहना वीडियो मेरी जड़ी बहुत काफ़ी लंबी हो गई है उम्मीद करे ना तुम दोस्तों पसंद आई है अगर पसंद आई हो तो वीडियो लाइक कर दसो चैनल सब्सक्राइब कर दसो बहुत सारे रखो अपना ख्याल बाय बाय।